हे व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के वन यूआई 6.1 अपडेट के बारे में, और सैमसंग की तरफ से काफी जल्दी इन सभी स्मार्टफोन के लिए वन यूआई 6.1 का जो अपडेट है वो आने वाला है, जिनके बारे में वीडियो में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी मार्च मंथ के अंदर इन सभी स्मार्टफोन के लिए अपडेट है वो रिलीज किया जाएगा। सो कौन कौन से वो स्मार्टफोन है और कब तक अपडेट आ सकते हैं, कंप्लीट हम लोग बात करने वाले। तो वीडियो आप लोगों को ये पसंद आती है, वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जैसे कोई बड़ा अपडेट आता है तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करें उन सभी स्मार्टफोन के बारे में, तो आप लोगों को गाइस पता ही है सैमसंग की जो S23 सीरीज है उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा। इंटरनल प्लस स्टेबल बीटा की जो टेस्टिंग है वो काफी पहले यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। बाद में आप लोगों को अपडेट मिलेगा सैमसंग की S22 सीरीज के लिए, जहां पर आपको S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा तीनों स्मार्टफोन है वो देखने को मिलते हैं। और सेम इसी तरह S23 की जो कंप्लीट सीरीज है इसके अंदर भी आपको तीन स्मार्टफोन मिलते हैं। उसके बाद में जो डायरेक्ट अपडेट है वो आपको मिलेगा गैलेक्सी Z Fold 5 और गैलेक्सी Z Fold 4, और इन्हीं के साथ साथ Z Flip 5 और Z Flip 4 है, इन दोनों सीरीज के लिए आपको अपडेट है वो मिलेगा। अगेन आपको सैमसंग S23 FE और बाद में आप लोगों को अपडेट है वो मिलेगा सैमसंग के A54 5G, और हो सकता है साथ ही में अपडेट है वो देखने को मिले सैमसंग के A34 5G, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन है उनके लिए लगभग साथ ही में अपडेट्स है वो यहाँ पर रिलीज किए जाते हैं। और बाद में आपको अपडेट मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन के लिए, और सैमसंग S21 FE स्नैपड्रैगन वेरियंट है उसके लिए अपडेट मिलेगा। काफी लोग पूछते हैं एक्सिनोस वेरिएंट के लिए, तो गाइस उसके लिए अभी कोई चीज है ना वो कंफर्म नहीं है। स्नैपड्रैगन वेरिएंट है उसके लिए तो चीज है ना वहां पर कंफर्म हो चुकी कि अपडेट है वो मिलेगा। उसके बाद में सैमसंग गैलेक्सी A53 5G, सैमसंग गैलेक्सी F54 5G, और लास्ट में आपको अपडेट मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A52 S 5G। तो ये रही कंप्लीट लिस्ट, ये आप लोगों को टोटल 16 से 17 स्मार्टफोन मिल जाते हैं, जिनके लिए आप लोगों को जल्दी ही वन यूआई 6.1 का जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा। और आप लोग हमारा नया सैमसंग का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी अपडेट की जो टोटल साइज है वो इस बार एक्सपेक्टेड है 500 MB से के 800 MB के बीच में आपको अपडेट की टोटल साइज है वो देखने को मिलेगी। बाकी यार फीचर्स तो काफी सारे इस बार ऐड होने वाले हैं वन यूआई 6.1 अपडेट के अंदर। AI के तो फीचर्स होंगे, लेकिन एनिमेशन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर और ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दिया है, तो आप लोग हमारी इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कर सकते हो कंप्लीट सैमसंग के वन यूआई 6.1 के फीचर्स को जानने के लिए। बाकी गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।